दोस्तों मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया है, उसी की खुशी में तो चिकन और पुलाव बनाऊंगी। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का वीडियो में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों कल मेरा वीडियो नहीं आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों कल मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था, इसीलिए मेरा वीडियो कल नहीं आया, क्योंकि मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था और मैं भी बहुत डर गई थी। मेरा पूरा परिवार ही डर गया था, क्योंकि उसमें मेरा यूट्यूब चैनल चलता था और पूरा वीडियो है उसमें, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और आजकल का मोबाइल तो खुलता भी नहीं है, पूरा अंदर तक पानी भी घुस गया था। तो दोस्तों उसको जैसे तैसे करके खोल के मैं आग में सेंकी, फिर भी नहीं बना। और उसको मैं डर के मारे में जल्दी से फिर मोबाइल दुकान में लेके चले गए उसको, तो बोले कि अभी एक दिन लग जाएगा बनाते हुए। तो दोस्तों मोबाइल को मेरे को छोड़ने के लिए बोल दिए कि यहीं पे छोड़ दीजिए मोबाइल, मैं बना के बताऊंगा। तो दोस्तों आज मेरे को मोबाइल मिला है 2 बजे, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी 3 बज रहा है, अभी का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों मैं मोबाइल के टेंशन में रात भर सो नहीं पाई थी, और मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, क्योंकि मेरा पूरा चैनल उसमें है और मेरा पूरा वीडियो भी है। मेरे बच्चे लोग का भी बहुत सारे अरमान हैं कि हम लोग इसी वीडियो से कुछ कर पाएंगे, और हमारे लिए कुछ मेरी अम्मी कुछ कर देगी हमारे भविष्य के लिए। तो दोस्तों आज मेरे हाथ में मेरा मोबाइल आ गया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा मोबाइल कुछ नहीं हुआ, और पानी में गिरने से भी मतलब कि नहीं बिगड़ा कुछ, ना मेरा वीडियो भी नहीं हटा, और सब अच्छे तरीके से मेरा वीडियो भी है। तो दोस्तों आज उसकी खुशी में तो दोस्तों मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया है, उसी की खुशी में। तो दोस्तों मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ अपने घर में, मेरे बच्चे लोग का भी मन रह जाएगा। तो आज मैं चिकन और पुलाव बनाऊंगी, तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं खाना बनाने से पहले सोच रही हूँ कि बुलबुल को इनर टोपी पहना दूँ, क्योंकि ठंडा का दिन है। तो दोस्तों मैं इसको जल्दी से टोपी मोजा पहना दूँगी, फिर खेलते रहेगी बच्चे लोग के साथ। तो मैं खाना सब्जी बनाऊँगी। तो दोस्तों मैं घर में आ गई हूँ, इसको पहना देती हूँ जल्दी से टोपी और मोजा। पूरा बच्चे लोग इसको तहस नहस करके रख दिए हैं, इसमें बुलबुल बैठ जाएगी। चल बुलबुल बैठेगी ना, दो 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 टिक्की में कर दूंगी पाउडर। नहीं और बुलबुल को लगाती हूँ मैं बंदर वाला टोपी। दोस्तों मैं बुलबुल को तैयार कर ली हूँ और ये भी तैयार होके रेडी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ चिकन और पुलाव बनाने। चलो इसको दे देती हूँ, रोशनी को खिलाएगी। बनाऊंगी जल्दी से, खेल रहे हो तो उसको भी खिलाओ लो। तो आप लोग देखिए रोशनी एक का भाजी तोड़ रही है, का भाजी है क्या खेलने वाला। तो दोस्तों हम लोग के गांव में इसको तोर्राई बोलते हैं और डोंका भी बोलते हैं, तो इसी को, ये बुढ़ा हो गया है तो खेल रहे हैं बच्चे लोग। लो इसको बुलबुल को भी खिलाओगे ना? ओ वाला पत्ता को हटा देना, खा देगी इनको, सब पत्ता को हटाओगे। तो दोस्तों मैं चावल निमार के आग जला चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, और यही वाला डेक्ची में मैं खाना बनाऊंगी। आज पूरा परिवार मिलके खाएंगे मोबाइल का खुशी में, जो मेरा मोबाइल बन गया है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं चावल भी धो के ढक दी हूँ, और पुलाव बनाने के लिए प्याज मैं काट ले रही हूँ आगे। हनी धर से लेगी। तो दोस्तों मेरा प्याज बहुत ज्यादा तीता है, आप देख सकते हैं मेरा आंसू निकल रहा है, बहुत ही तीता है प्याज, ज्यादा और काटना पड़ेगा पुलाव के लिए। और अभी ऐसे 2 ठो काटी हूँ, उतना ही मेरा आंसू निकल जा रहा है तीता के वजह से। हाँ खा ले ले रे, मैं कहता हूँ चाबी ले पकड़े हंसना मारू मैं कहा पकड़े हो तोला ना दे है। हाँ रे वो जिस आगे हम बोले जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ
उसको निकाल, कैसे दिख रही है? तो दोस्तों बच्चे लोग खा रहे हैं सिरनी, क्योंकि अभी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, हर घर में मिलाद होता है। तो दोस्तों बिरयानी सिरनी मिला है, तो रोशनी के दादा गए थे मिलाद सुनने, तो वहीं से लाए हैं, उन्हीं को मिला था सिरनी, तो पूरा बच्चे खा रहे हैं उसी को। बहुत अच्छा बना है, यम्मी टेस्टी, गुड बाय। मैं प्याज काट चुकी हूँ, और प्याज काटते काटते मेरा डेगची भी गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ रिफाइंड तेल, और मैं प्याज को भी डाल देती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ ये 4 ठो है तेजपत्ता, और ये 2 ठो बड़ा इलायची है, 3 ठो छोटा इलायची है, और थोड़ा सा जीरा है, सहजीरा है, तो पुलाव में हम लोग सहजीरा को डालते हैं, तो इन लोग को मैं डाल के भून देती हूँ। दोस्तों मैं पुलाव के लिए 6 मान पानी डाल दी हूँ, 6 मान में मेरा खाना पक जाएगा, स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। तो दोस्तों आप देखिए ये मेरा पानी खोल गया है, और इसमें मैं चावल डाल देती हूँ। तो ये मसाला है, मैं चिकन के लिए निकाल ली हूँ, तो जा रही हूँ पीसने, और अंधेला भी हो गया है, और मैं चावल भी डाल दी हूँ, तो मेरी सासू अम्मा देखते रहेंगे, देखते रहिएगा, चलाते रहिएगा ना, मैं आ रही हूँ तुरंत पीस के। तो दोस्तों मेरा पुलाव बन चुका है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मेरा पुलाव बन गया है, और रुक जा बेटा, रुक जा थोड़ा सा, बुलबुल नहीं नहीं। तो मेरा आग बहुत तेज जल रहा है, तो तेल डालते ही के साथ मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो मैं हल्का प्याज डालूंगी। तो दोस्तों मिकन बन चुका है, और मैं जा रही हूँ बच्चे लोग को खाना देने, पहले मैं इसको उतार लेती हूँ, और यहाँ बहुत ठंड भी लग रहा है, तो मैं अंदर चली जाती हूँ, अंदर में खाएंगे सब कोई। तो दोस्तों मैं खाना और चिकन को अंदर ले आई हूँ, और बच्चे लोग भी बैठे हैं खाने के लिए, तो मैं उन लोग को भी दे देती हूँ। अलीजा अच्छा से बैठो, बच्चे लोग खा लेंगे तब मैं भी खाऊंगी, बाद में हम लोग बाद में खाएंगे बुलबुल के साथ और उसके अब्बू के साथ। तो आप वीडियो पे बने रहिए, बच्चे लोग खा रहे हैं, अलीजा अच्छे से खाओ। दोस्तों हम लोग सब खाना खा चुके हैं, और आज के लिए इतना ही। अब आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।